शाला प्रारंभ के समय सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश देखें। समस्त विद्यालय हेतु RSK का आदेश देखें। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल पत्र क्र रा शी के निर्माण वर्ष 2022/3518 भोपाल दिनांक 1 जून 2022 प्रति कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समस्त जिले प्र विषय शाला में विद्यार्थियों की बचाव एवं सुरक्षा तथा शाला पुनः प्रारंभ के समय सुरक्षा के अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F.No.25019/17/2022 संबंध में राष्ट्रीय संदर्भ 2,246,182 डेट 25 अप्रैल 2022 एवं राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्र रा शी के निर्माण 2021/527 भोपाल दिनांक 17 जनवरी 2022 उपरोक्त विषय संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली NCPCR के पत्रानुसार शालाओं में विभिन्न आपदाओं से बचाव एवं सुरक्षा हेतु विस्तृत मैनुअल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन की प्रति NCPCR के वेब पोर्टल URL पर उपलब्ध है। गाइडलाइन शाला सुरक्षा एवं बच्चों की सुरक्षा हेतु विभिन्न घटकों के बारे में विस्तृत उल्लेख किया गया है। साथ ही शाला में सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु चेकलिस्ट भी जारी की गई है, जिसके माध्यम से शालाओं में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर कार्य करते हुए सुरक्षा को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। वर्ष 2021/22 AWP प्रावधान अनुसार शाला सुरक्षा हेतु प्रत्येक शाला में सुरक्षा के घटकों को सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय प्रावधान ₹2,000 प्रतिशाला किया गया है। साथ ही उपरोक्त संदर्भित राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र में शाला सुरक्षा के विभिन्न ग्रामों को सुनिश्चित करने के लिए 12 बिंदुओं के माध्यम से शाला सुरक्षा एक्शन प्लान सेफ्टी वॉक शाला में जोखिमों का आकलन करना सुझाव पेटी बाल संसद का गठन शाला सुरक्षा कैलेंडर मॉकड्रिल डिस्प्ले बोर्ड सुरक्षा शपथ फास्ट मोबाइल ऐप की जानकारी अग्नि सुरक्षा COVID-19 रोकथाम एवं शाला में फर्स्ट एड बॉक्स की उपलब्धता आदि बिंदुओं के माध्यम से शालाओं में सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। कृपया उपरोक्तानुसार NCPCR द्वारा जारी किए गए मैनुअल एवं राज्य शिक्षा केंद्र के परिपत्र अनुसार शालाओं में विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जिलों के पालन प्रतिवेदन शीघ्र प्रेरित करें ताकि NCPCR को जानकारी प्रेषित की जा सके। धनराज US संचालक राज्य शिक्षा केंद्र।